वेलकम टू प्यारे बच्चों, इस वीडियो में कक्षा 8वीं के छात्रों के लिए वर्कशीट नंबर 27 जो कि गणित विषय का इसका सॉल्यूशन लेकर आ चुके हैं। बच्चों अगर आपने वर्कशीट नंबर 1 से लेकर 26 तक की नहीं देखी तो वीडियो डिस्क्रिप्शन लिंक है वहाँ पर देख लें, या इस वीडियो के आई बटन पर प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा तो वहाँ पर जाकर आप सभी सॉल्यूशन देख सकते हैं। तो बच्चों यहाँ पर जो हमारा वर्कशीट नंबर 27 है जो कि लाभ और हानि की गणना करना, तो देखिए बच्चों काफ़ी सिंपल है, यहाँ पर देखिए और समझे। मैंने इसे 600 रुपये में ख़रीदा। देखिए बच्चों जो टेबल है इसे 600 रुपये में ख़रीदा, तो इसे हम बोलते हैं जिस पर ख़रीदा उसे हम बोलते हैं क्रय मूल्य, कॉस्ट प्राइस बोलते हैं, और जिस पर बेचा बच्चों मतलब 620 पर बेचूंगा इसे हम बोलते हैं सेलिंग प्राइस या विक्रय मूल्य बोलते हैं। तो बच्चों देखिए दुकानदार वस्तु के क्रय मूल्य से अधिक दाम पर उसका विक्रय कर रहा है इसलिए उसे लाभ होगा। तो 620 ऋण 600 बराबर 20 रुपये का इसे लाभ होगा। तो बच्चों लाभ बराबर होता है विक्रय मूल्य ऋण क्रय मूल्य, मतलब सेलिंग प्राइस ऋण कॉस्ट प्राइस, तो ये होता हमारा लाभ। इसी प्रकार बच्चों हानि होती है क्रय मूल्य ऋण विक्रय मूल्य, तो हमारी सेलिंग प्राइस होती है जो सॉरी यहाँ पर हमारी कॉस्ट प्राइस होती है माइनस सेलिंग प्राइस, तो ये हमारी हो जाती है हानि। तो बच्चों सिंपल से क्वेश्चन से आप हमेशा कवर करने वाले हैं। तो देखिए बच्चों क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1, इसे आप ध्यान से देखें। तो ये बच्चों एक खिलौने मतलब 72 रुपये में ख़रीदा था तो उसे 80 रुपये में बेचा गया, लाभ या हानि ज्ञात करो। तो बच्चों देखिए जो क्रय मूल्य मतलब जिस पर हम खरीदते हैं वो कितना है 72 रुपये, और जिस पर बेचा गया है विक्रय मूल्य कितना हमारा 80 रुपये। तो बच्चों हमने कम में खरीद कर 80 में बेचा तो हमें क्या होगा लाभ, तो हमें लाभ निकालना है। तो बच्चों लाभ बराबर क्या होता है हमारे पास, ये इसका जो सूत्र है वो ऊपर लिखा बच्चों, ये देखिए लाभ बराबर होता है विक्रय मूल्य ऋण क्रय मूल्य। तो यहाँ पर बच्चों हम लाभ बराबर लिख देते हैं विक्रय मूल्य ऋण क्रय मूल्य, तो यहाँ पर हमने लिख दिया विक्रय मूल्य ऋण क्रय मूल्य। तो बच्चों हम इसे घटा लेते हैं सिंपली, तो हमारा विक्रय मूल्य कितना बच्चों 80 रुपये, और ऋण क्रय मूल्य कितना है 72 रुपये। तो जब बच्चों हम इसे घटाएंगे आपस में तो कितना आएगा हमारे पास 8 रुपये जो कि हमारा लाभ होगा, तो यहाँ पर हम लिख देंगे लाभ। ये हो गया बच्चों क्वेश्चन नंबर हमारा 1। अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं तो जो कि हमारा है क्वेश्चन नंबर 2। तो देखिए बच्चों यहाँ पर एक टी शर्ट 120 रुपये में ख़रीदा और 100 रुपये में बेचा, तो लाभ हो गया हानि बच्चों। तो देखिए जो हमारा विक्रय मूल्य वो है 100 रुपये और जो क्रय मूल्य वो 120 रुपये, तो बच्चों यहाँ पर क्रय मूल्य अधिक है विक्रय मूल्य कम है इसलिए हमें हानि होगी। तो बच्चों हानि बराबर क्या होती है, हानि बराबर होती है हमारे पास क्रय मूल्य ऋण विक्रय मूल्य। यह रहा बच्चों हमारा जो हानि का सूत्र था, हानि बराबर क्रय मूल्य ऋण विक्रय मूल्य, तो सीपी माइनस एसपी। तो चलिए बच्चों यहाँ पर जो हानि हम इसे फाइंड आउट करते हैं तो आपको क्या करना बच्चों घटा देना है। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर जो हमारा विक्रय मूल्य है वो कितना है बच्चों, विक्रय मूल्य हमारा 100 रुपये, क्रय मूल्य कितना है 120 रुपये। तो बच्चों यहाँ से हमने 120 में से 100 को घटाया, तो जब हम घटाएंगे तो हमें कितना मिलेगा बच्चों, यहाँ पर हमें मिलेगा 20 रुपये, तो जो कि हमारी हानि हो जाएगी। तो ये हमारी हानि हो गई। अब बच्चों अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अगला बच्चों एक साइकिल 1000 रुपये में ख़रीद कर उसे 1150 रुपये बेची गई, लाभ या हानि बताओ। तो बच्चों जो क्रय मूल्य वो 1000 रुपये है और जो विक्रय मूल्य वो है 1150 रुपये या 1150 रुपये। तो बच्चों यहाँ पर जो विक्रय मूल्य वो अधिक है तो हमें लाभ होगा, तो वही करेंगे बच्चों। यहाँ पर हम लिखेंगे लाभ का सूत्र जो कि होता है लाभ का सूत्र विक्रय मूल्य, तो यहाँ पर हम लिख देते हैं विक्रय मूल्य ऋण क्रय मूल्य, तो यहाँ लिख देते हैं क्रय मूल्य। तो बच्चों हमारा जो विक्रय मूल्य वो कितना है 1150 रुपये और हमारा जो क्रय मूल्य वो कितना है बच्चों 1000 रुपये। तो जब हम इसे घटाएंगे तो देखिए बच्चे 0 से 0 गया तो हमें कितना मिला 0, यहाँ कितना मिला हमें 5 और यहाँ कितना मिला हमें 1, और 1 से कटेगा तो कुछ नहीं बचेगा, तो हमें कितना बच्चों 150 रुपये लाभ हो जाएगा। अब देखिए बच्चों जो अगला क्वेश्चन था हम इसे देखते हैं, किसी वस्तु का क्रय मूल्य कितना है बच्चों, यहाँ पर है 615 रुपये और उसका विक्रय मूल्य है कितना है 540 रुपये, तो लाभ और हानि बताओ। तो देखिए बच्चों जो विक्रय मूल्य है वो कम है, क्रय मूल्य अधिक है, तो हमें हानि होगी, तो हमने लिखा हानि, हानि बराबर होता है बच्चों क्रय मूल्य ऋण विक्रय मूल्य। तो बच्चों हमारा जो क्रय मूल्य था वो कितना था, जो हमारा क्रय मूल्य है 615 रुपये माइनस विक्रय मूल्य है 540 रुपये, तो जब हम इसे माइनस करेंगे
तो कितना मिलेगा बच्चों, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर बचा 5 और यहाँ पर हो जाएगा 11। 11 में से 4 गई तो कितना बचा बच्चों, हम घटा के देख लेते, 4 के 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 कितना बचा बच्चों, हमारे पास 3, 7 बचा यहाँ पर। और अब यहाँ पर कितना हो जाएगा बच्चों, यहाँ पर हमारे पास हो जाएगा 5, क्योंकि हमने एक यहाँ पर उधार दे दिया, तो यहाँ पर 5 से 5 कटेंगे तो 0, तो 75 रुपये हमारे पास क्या हो जाएगा बच्चों, हानि। तो बच्चों यहाँ पर जो वर्कशीट नंबर आपकी 26 थी, इसका हमने आपको कंप्लीट सॉल्यूशन प्रोवाइड करा दिया है। इस वीडियो में इतना ही।